हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो फाइनली पंडित लेके आ गया समर को घर वापस। और ये क्या, समर तो पूरा बेहोशी के आलम में है। अब पंडित का कहना है कि मैं समर को तभी होश में लाऊंगा, तभी उसे ठीक करूंगा जब मेरी बेटी मेरे साथ चलेगी तब। और यहाँ पे बेटी है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। उसका कहना है कि मैं अब कहीं जाने वाली नहीं हूँ, ये है मेरा घर, मैं यहीं रहूँगी और मैं इन लोगों के साथ ही रहूँगी। और सबसे तमीज़ से बात करो, किसी के ऊपर हाथ उंगली करके बात नहीं करना है। वाह भाई वाह पंडित, क्या हुआ, अपनी बेटी हो गई पढ़ाई, वो भी अंकित के पास आते ही। अब तो पंडित तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अब अंकित को मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि तुम्हारे हाथ में पंडित की बेटी है, पंडित की बेटी को यूज़ करो, उसे लेके पुलिस स्टेशन में जाओ और वहाँ जाके सारा कच्चा चिट्टा पंडित की बेटी बोल देगी वहाँ पे। इस बेसिस में पंडित को हो जाएगा हिरासत, बस ख़त्म कहानी। अगर तुम लोग ये बात मानो तब तो मेरे पास तो यही एक सजेशन है अंकित के लिए कि अंकित वहाँ पे जो बैठे हैं उनमें से बेटर तो थोड़ा अंकित ही है, क्योंकि आज अगर समर वापस आया है तो सिर्फ अंकित के चलते ही आया है। अगर अंकित पंडित की बेटी को उठा के नहीं लाता तो आज समर भी घर आने वाला नहीं था, क्योंकि समर की माँ वो तो ना पैसे लेके आई और ना ही समर के लिए कोई इनिशिएटिव ली। और वहाँ राधिका बीवी होते हुए भी कोई काम की नहीं है, बस अपनी मम्मी के संग बैठ के चिंता में पड़ी होती है, या तो इसके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना या चिल्ला चिल्ला के बातें करना। उसके अलावा इनको भी कुछ नहीं आता, पर पैसे सिर्फ अंकित ने ही दिया। और यहाँ पे गुनगुनी का थोड़ा सा मेरे को लगा गुनगुन चिंता करती है, और किसी का मेरे को चिंता यहाँ नज़र आया ही नहीं। बस अंकित के लिए मेरे पास एक ही सजेशन है कि अब उसकी बेटी को यूज़ करो उसी के बाप के खिलाफ, और पुलिस में जाके अच्छा से उसके नाम का रिपोर्ट लगवाओ ताकि उसकी बेटी सारा कच्चा चिट्टा अपने बाप को बोल सके। और यहाँ पे उस बेसिस में पंडित को पुलिस कस्टडी मिलेगा, नहीं तो ये पंडित जैसे समर का लाइफ बर्बाद किया वैसे ही और भी समर जैसे इंसानों की लाइफ बर्बाद करेगा। और समर जैसी समर की मम्मी की तरह मम्मियाँ तो भरी पड़ी हैं भाई, ऐसी मम्मी लोग को तो हैट्स ऑफ, इतनी अच्छी मम्मी लोग हैं कि मैं इनके लिए मैं क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना शब्द कम। तो चलिए, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए